हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और हेल्दी रायता शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और टेस्ट के साथ हेल्दी भी बहुत होता है। तो आप खाइए और सभी फैमिली और बच्चों को खिलाइए बनाकर, और बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने एक बार बना लिया तो फिर बार बार बना के खाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया है और हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने बीट रूट लिया था, उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था मैंने। उसके बाद मैंने कुकर में डाल के और उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने 1 सीटी लगाया था। उससे क्या होता है कि 1 सीटी लगाने से एक तो छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है, और दूसरा जो इसके अंदर एक कसैलापन होता है, जो कि किसी को पसंद नहीं होता है, वो कसैलापन निकल जाता है 1 सीटी से। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे और फिर हम इसको कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। और ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से कद्दूकस भी हो जाता है और आराम से। तो ये रायता मैं केवल 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैं 2 बीट रूट का यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है, और कद्दूकस हमें छोटे वाले पार्ट से करना है, बहुत बड़ा नहीं करना है। उसके बाद हम एक बाउल में कर्ड ले लेंगे और कर्ड को फिर अच्छे से मैं मिला लूँगी और रायता बनाने के लिए। और फिर इस तरह से हम इसको चला लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। और फिर ज़रूरत के अनुसार जितना आपको अपने हिसाब से पतला गाढ़ा रखना हो, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से इसको एक स्मूथ सा हम बना लेंगे। और फिर इसके अंदर हम जो हमने बीट रूट कद्दूकस करके रखा है, वो मैं इसके अंदर मिलाऊंगी। तो ये मैंने पहले लिया है नमक, और ये मैंने भुना जीरा लिया है, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया। चिली भी पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं, पर मैं नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। तो उसके बाद जो हमने बीट रूट घिस के लिया है, उसको हम इसके अंदर डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। अपने हिसाब से कितना डालना है, मिलाना, वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, तो मतलब देख के ही बच्चे आराम से खा सकते हैं। तो इस तरह का हमें बहुत पतला नहीं रखना है इसको, थोड़ा सा हमको इस तरह का ही ठीक रखना है, तो अच्छा लगता है खाने में। आप इसको दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरह का हमको इस रायता बनाना है। उसके बाद आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर कट करके डाल दिया है, और मैं यहाँ पे तड़का नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बेटी को मेरी जीरा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लगा। आप यहाँ पे जीरा हिंग का तड़का भी दे सकते हैं। तो फिर मैं इसको एक बाउल में सर्व कर लिया है। उसके बाद इसको गार्निश कर दिया है हमने थोड़े कोरिएंडर से, लीव से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये बीट रूट रायता कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली में। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।